यूक्रेन में रूसी सेना के जोरदार हमलों के बीच अब अमेरिका ने जेलेंस्की की सरकार को बचाए रखने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका एक प्लान तैयार कर रहा है जिसके तहत रूसी सेना के कब्जा होने के बाद भी यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार पोलैंड से चलती रहेगी। अमेरिका ने यह प्लान बी ऐसे समय पर तैयार किया है जब रूसी सेना यूक्रेन पर तेजी से बढ़त बना रही है। एक अखबार ने अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों के हवाले से कहा कि हम आपात स्थिति के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। अखबार ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देश निर्वासित सरकार के गठन में मदद कर सकते हैं ताकि देश में गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा जाए। इससे पहले 4 मार्च को रूस की संसद के स्पीकर ने ऐलान किया था कि जेलेंस्की पोलैंड चले गए थे, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। स्पीकर ने कहा कि अभी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में ही मौजूद हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने ये बताना बंद कर दिया है कि जेलेंस्की कहां पर हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन की सरकार देश के अलग अलग इलाकों में शासन नहीं कर पा रही है। इस बीच नेटो देश यूक्रेन को संगठन में शामिल करने पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है और कीव अब गैर नेटो मॉडल पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये जानकारी यूक्रेन के एक अधिकारी ने दी है। रविवार को अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने रूस के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य डेविड अरखामिया के हवाले से कहा कि नाटो देशों से हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो ये है कि वो हमें नाटो में रखने पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हम नाटो के आवेदनों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम परिणाम के लिए लड़ेंगे लेकिन प्रक्रिया के लिए नहीं। अरखामिया ने कहा कि हम कुछ गैर नाटो मॉडलों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम न केवल रूस के साथ द्विपक्षीय चर्चा में बल्कि दूसरे भागीदारों के साथ भी व्यापक दायरे में ऐसी चीजों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस बीच दो दौर की बातचीत असफल होने के बाद आज रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।